पासवर्ड होता है, प्रोफाइल पासवर्ड हो गया, ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है, तो उस उन सबको याद रखना हम सबके लिए आसान नहीं है। इस 2016 में आरबीआई ने एनपीसीआई को बोला कि आप एक ऐसा ऐप डिजाइन कीजिए जिससे कि हर आदमी डिजिटल पेमेंट कर पाए। तो यूपीआई 2016 में आया। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके अंदर हमें ज़्यादा बहुत ही मतलब सुचारू सुगम होता है ये। इसमें एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, वो हम इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए भी हम इसमें अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कैश हम किसी से रिसीव कर सकते हैं और कैश किसी को भेज भी सकते हैं। इसमें मिनिमम जो लिमिट होती है 1 रुपये से लेके और 1 लाख तक 24 आवर्स का लिमिट होता है। इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए हम कोई भी एक ऐप होता है, जैसे पेटीएम एक यूपीआई ऐप है, गूगल पे एक यूपीआई ऐप है, फ़ोनपे एक यूपीआई ऐप है, ऐसे हर जो जितने भी अपने देश में बैंक हैं सारे यूपीआई एनेबल्ड होते हैं। इनका जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई द्वारा होता है। तो इसमें ऐसी कोई चिंता की बात होती नहीं, कोई फर्जी ऐप होते हैं, सारे आरबीआई की रेगुलेशन में चलते हैं। इनके जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं आरबीआई होते हैं। एनपीसीआई इनको मॉनिटर करता है। अब इस यूपीआई को हम रजिस्टर कैसे करते हैं? कोई भी एक ऐप हम डाउनलोड करते हैं, अपने पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, उसके लास्ट 6 डिजिट वो मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर पिन जनरेट करवाता है। हम उस पिन को बस याद रखेंगे। उस पिन के मार्फत हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम उसमें कर सकते हैं। अब ये होता क्या है कि मान लो हम नेट बैंकिंग से कोई भी पेमेंट करते हैं, उसमें हम हमारे पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए उस रिजन का जहाँ भी हम भेजना चाहें। यूपीआई में क्या होता है कि हम मोबाइल से या क्यूआर कोड से सिर्फ स्कैन करेंगे और उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बशर्ते यह है कि जो भी मोबाइल होता है वो उस अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड होगा, एक मोबाइल से हम कितने भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कई बार हम 2-3 अकाउंट लिंक कर लेते हैं, हमें ध्यान मंगवाना किसी और बैंक में होता है खाता और पैसा किसी और बैंक में चला जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप के अकाउंट होते हैं, तो जो प्राइमरी बाय डिफॉल्ट जो भी अकाउंट होता है उसमें पैसा जाएगा। कई बार होता है कि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यूपीआई पेमेंट किसी हमें पता नहीं होता जहाँ भेजना चाहे बैंक में चला जाता है। कस्टमर परेशान हो जाता है कि पैसा मेरा कहाँ गया। तो उसके लिए बैंक ने और आरबीआई ने पूरा सिस्टम बना रखा है, जो मैम बता रही थी फ्रॉड के लिए। फ्रॉड ऐसे होता नहीं है। फ्रॉड में कहीं ना कहीं हम लोग या तो ऐसे अनऑथराइज ऐप्स जो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखते हैं जहाँ से हमारी सिक्योरिटी लीक मतलब लीक होती है, या फिर कोई ना कोई लिंक आता है उसमें क्लिक करते हैं तो अपने डाटा शेयर हो जाते हैं, उसके बाद में हम उसके शिकार हो जाते हैं। इससे रोकने के लिए होता क्या है कि कोई भी अनऑथराइज ऐप अपने पास आता है उसको कभी भी लिंक उसको क्लिक नहीं करें ना इंस्टॉल करें, उन सबको अवॉइड करें। दूसरी चीज़ होती है, अगर मान लो किसी का यूपीआई पेमेंट किसी ने किया और किसी और के खाते में चला गया, तो उसको भी मंगवाने का प्रॉपर सिस्टम होता है। आप यूपीआई जो भी ऐप आप यूज़ करें, फ़ोनपे यूज़ करें, पेटीएम यूज़ करें, वहाँ पर भी एक कंप्लेंट का सिस्टम होता है। एक अपना एक एप्लीकेशन लिखिए, स्कैन कीजिए और उसमें राइटिंग में उसके मेल आईडी दी होती है उसमें मेल कर दीजिए। दूसरा, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट होता है उस बैंक के अंदर उसका टोल या तो आप बैंक में अप्रोच कर दीजिए, उसमें राइटिंग में दे दीजिए। आप एक यूपीआई का एक कॉल सेंटर बना होता है, उसमें वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। अगर वहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं तो टोल फ्री नंबर दिया होता है उस पर आप कंप्लेंट लॉज करवा दीजिए। उसका टैग होता है सर 0 to 7 days के अंदर कंप्लेंट का रिजोल्यूशन मोस्टली आ जाता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो हमारे पास दूसरे चैनल होते हैं। मान लो मैं ही बैंक में हूँ, मैं आपकी बात को नहीं सुन रहा हूँ, कोई भी आपसे फ्रॉड हुआ है या कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हो गया और मैंने आपकी कंप्लेंट नहीं की, तो आप चैनल के थ्रू चलिए, आप टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट लॉज करिए, उसका रिजोल्यूशन आएगा या तो क्लोज होएगी या फिर कोई ना कोई समाधान दिया जाएगा। समाधान नहीं दिया जाता है तो आप सीधे बैंकिंग अकाउंट्स में हमारी कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे आप लिखिए बैंक को, वो उस कंसर्न बैंक को लिखता है, उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू उसका रिजोल्यूशन मिलता है। इवन अगर
कस्टमर की गलती होती है, उसमें एक चीज होती है कि कस्टमर बैंक उसका एक पूरा टीम तैयार करता है, एक पैनल होता है, वो उसका एग्जामिन करता है कि ये जो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें पासवर्ड या कोई ओटीपी शेयर हुआ है, अगर हमने गलती करी है तो मोस्टली हम नहीं मिलता है। अगर मान लो हमने गलती नहीं करी है फ्रॉड के मामले, ये फ्रॉड की बात कर रहा हूँ, गलत ट्रांजेक्शन में तो हो हमने किया है, हमें पता हमने किया है, गलत ट्रांजेक्शन हो गया, गलती से हो गया, उसका बैंक समाधान करता है। अगर फ्रॉड के मामले में हमने ओटीपी शेयर किया है और उसका भी एक सिस्टम है, अगर कोई परचेजिंग हुआ है उस ऐप के माध्यम से, कोई परचेजिंग हुआ है और उसमें 24 घंटे के अंदर अगर हम कंप्लेन लॉज करवा देते हैं तो मोस्टली डिलीवरी रुक जाती है, तो उसमें अपने पैसे वापस आने के चांसेस होते हैं। जैसे किसी के मोबाइल को हैक कर लिया किसी हैकर ने और उसका ओटीपी शेयर हुआ, हमें पता ही नहीं है, अपना तो मोबाइल हैक है, उसने ओटीपी शेयर किया और कोई भी परचेजिंग कर ली, परचेजिंग के बाद में हमें पता चला कि मेरे खाते से पैसे निकल चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे मोबाइल बिल्कुल हैंग हो गए। हमें अगर ओटीपी से कर दिया है वो तो बैंक चाहिए, बैंक में जाने के बाद में आप उसकी कंप्लेन लॉज करवाइए। हमारा डिजिटल टीवी डिपार्टमेंट होता है जो मेजर सेंटर्स पे होता है, जैसे यहाँ भी जयपुर में, हम उस कंप्लेन को वहाँ भेजते हैं, तो वो उस कंसर्न ऐप जहाँ पे एनपीसी है उसको मेल करते हैं तो वो डिलीवरी रुक जाती है, किसी को डिलीवरी देंगे वो रुक जाती है, अगर डिलीवरी रुक गई तो पैसा अपना रिफंड हो जाता है उस केस में। लेकिन अगर हमने ओटीपी शेयर किया है उस केस में पैसे आने के चांसेस कम होते हैं फ्रॉड के मामले।